आसाराम जी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था, एक बात मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जितना जानता हूं और पूरे देश के मैं साधु सन्यासी संत महात्मा से मिला हूं, धर्मांतरण के खिलाफ जितना काम आसाराम जी ने किया है किसी संत महात्मा ने नहीं किया। धर्मांतरण के खिलाफ जिस तरीके से उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आसाराम जी ने वापस कन्वर्ट कराया है, इतना किसी ने नहीं कराया, कोई भी संत महात्मा। मैं तो ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने भी शायद धर्मांतरण खिलाफ इतना कानून काम नहीं किया जितना आसाराम जी ने किया और उनके आसाराम जी के भक्तों ने किया, जो बापू के भक्त थे उन्होंने जितना काम किया धर्मांतरण खिलाफ, सारे आदिवासियों को मुफ्त में खाना देना, मुफ्त में भोजन देना, सीधे वो कहते थे मुफ्त भोजन करो भजन करो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हमें तकलीफ है कि आज वो कह रहे हैं हमको आयुर्वेदिक इलाज करना है और आज उनको आयुर्वेदिक इलाज कराने की सुविधा नहीं मिल रही, जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं 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 तुम अंग्रेजी इलाज करा लो, एलोपैथिक इलाज करा लो, अपनी पसंद से उनको डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, अपनी पसंद से उनको एलोपैथिक दवाइयां नहीं मिल पा रही। इस देश में कसाब को बिरयानी मिलती है, अफजल गुरु को अपनी पसंद का भोजन मिलता है, अपनी पसंद का खाना मिलता है, याकूब मेनन को अपनी पसंद का डॉक्टर मिलता है, अपनी पसंद का खाना मिलता है, कश्मीर का जो गिलानी है मीरवाइज और यासिन मलिक उसको अपनी पसंद का डॉक्टर मिलता है, अपनी पसंद का खाना मिलता है, अपनी पसंद की बिरयानी मिलती है, और आसाराम बापू जी को अपनी पसंद की इलाज भी कराने का उनको नहीं दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? इस देश में संविधान है क्या? संविधान का तो मतलब ही होता है सम धन विधान बराबर संविधान। संविधान का तो मतलब ही है कि ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो। लेकिन आसाराम जी की स्थिति तो कसाब से भी वो कर रखा है। कसाब को भी मन चीजें मिल रही थी, कश्मीर का अलगाववादी गिलानी और मीरवाइज फाइव को भी अपनी पसंद की चीजें मिलती हैं। यहां कितने सारे लुटेरे हैं जो बाहर गोल्फ खेल रहे, 2G घोटाले वाले बाहर मौज कर रहे, कोयला घोटाले वाले 1,86,000 का कोयला घोटाला करके बाहर मस्ती कर रहे, 1,76,000 करोड़ का 2G वाले बाहर घूम रहे, 70,000 करोड़ का CWG घोटाला करने वाले भी बाहर घूम रहे, गमले में गोभी पैदा करने वाले बाहर घूम रहे, घर की एक क्यारी में जब करोड़ों का बैगन पैदा करने वाले बाहर घूम रहे, घर के बगीचे में करोड़ों की आलू पैदा करने वाले बाहर में घूम रहे, और आसाराम बापू जी को अपनी पसंद का डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, अपनी पसंद का इलाज नहीं मिल पा रहा है। शर्म आती है इस कहने में कि हम एक वास्तव में डेमोक्रेटिक कंट्री में, वास्तव में हम एक संविधान से चलने वाले देश में। 83-84 साल जिसकी एज है, पूरी जिंदगी उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया, हिंदू धर्म के लिए काम किया, धर्मांतरण के खिलाफ उनके जैसा काम किसी ने किया ही नहीं है। ईसाई मिशनरियों से सबसे बड़ी टक्कर उन्होंने लिया था, आवाज उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हद हो गई भाई, एकदम हद हो गई है। तो